जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, अक्सर आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि बहुत सारे जातक ऐसे होते हैं जिनकी दुर्घटनाएं बहुत होती रहती हैं। अर्थात कहीं पर भी जाएंगे, कभी चोट लगा लेंगे, कभी वाहन से दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, कभी मस्कुलर इंजरी आ जाती है, लेकिन कोई ना कोई कारण ऐसा बनता रहता है कि उन्हें शारीरिक चोट अवश्य आती है। यहां तक कि मान लीजिए अगर वो खिलाड़ी हैं तो भी खेल के दौरान भी उन्हें अक्सर चोट आती है। ऐसी स्थितियां बहुत लोगों के जीवन में बनती है, और ऐसी स्थिति क्यों बनती है इसका अध्ययन हम कुंडली से अवश्य कर सकते हैं। दर्शकों, यदि आपकी कुंडली के अंदर अष्टम भाव के अंदर अगर मंगल है और योग कारक स्थिति में है तो ऐसे जातक को हमेशा दुर्घटनाओं से सुरक्षा मिलेगी। अर्थात वो कहीं पर भी जा रहा होगा और यदि कोई दुर्घटना हो भी गई तो बाकी लोगों को इंजरी हो सकती है, लेकिन वह व्यक्ति सुरक्षित रहेगा, ऐसा अष्टम का मंगल योग कारक होने पर अवश्य फल देता है। अब आपने बहुत बार सुना होगा कि कहीं गाड़ी में कोई जा रहे थे, चार लोग सफर कर रहे थे, अचानक दुर्घटना हुई, तीन लोग खत्म हो गए, एक को खरोच भी नहीं आई। ऐसी परिस्थितियां तभी बनती हैं जब अष्टम भाव में मंगल योग कारक हो। लेकिन यदि अष्टम भाव में मंगल योग कारक ना हो तो क्या स्थिति बनेगी? तो दर्शकों, यदि अष्टम भाव के अंदर मंगल अगर योग कारक नहीं है तो ऐसे जातक अक्सर दुर्घटनाग्रस्त जरूर होंगे। सीढ़ियों से उतर रहे थे, पांव फिसल गया, फ्रैक्चर हो गया, एक्सरसाइज ज्यादा कर ली, वेट ज्यादा ले लिया, बॉडी पेन हो रहा है, या कहीं पर जा रहे हैं गाड़ी स्लिप हो गई और उसकी वजह से पांव का मांस फट गया। ऐसी घटनाएं बहुत बार होती हैं, या हम पैदल चल रहे थे, किसी ने हमें टक्कर मार दी और पांव में चोट आ गई, या हाथ में चोट आ गई, या सर में चोट आ गई। ये स्थिति मंगल की तब बनती है जब मंगल अष्टम भाव के अंदर नेगेटिव होगा, नकारात्मक होगा, अशुभ होगा, तो ऐसी दुर्घटनाएं व्यक्ति के जीवन में अवश्य घटती हैं। अब दर्शकों, बात आती है कि ये बात मैं आपको क्यों वीडियो में बता रहा हूं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अष्टम भाव का मंगल देख करके बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं। अरे मेरे तो अष्टम भाव में मंगल है, भाई साहब आपके तो जीवन को संकट है, दुर्घटना होने की संभावना बनती है। और बिना ये जाने समझे कि मंगल की स्थिति क्या है, आप भयभीत होते हैं, चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं। ऐसे में एक बात का ध्यान रखिए, अगर मेष लगन की कुंडली है, कर्क लगन की कुंडली है, सिंह लगन की कुंडली है, धनु लगन की कुंडली है, मकर लगन की कुंडली है, कुंभ लगन की कुंडली है और मीन लगन की कुंडली है, और फिर यदि आपके अष्टम भाव में मंगल है तो आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। मंगल आपको परेशान नहीं करेगा, बल्कि परिस्थितियों से मुकाबला करने की ताकत आपको देगा। इसके विपरीत यदि आप वृषभ लगन के व्यक्ति हैं, मिथुन लगन के व्यक्ति हैं, कन्या लगन के व्यक्ति हैं, तुला लगन के व्यक्ति हैं, तो आपको अष्टम भाव का मंगल सदैव परेशान करेगा। और जब भी मंगल की अंतरदशा, प्रतिअंतर या महादशा होगी, आपको चोट अवश्य आएगी, या ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा जब आप अपनी शारीरिक पीड़ा को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे। शरीर में तकलीफ है, डॉक्टर के जाते हैं लेकिन रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता, लेकिन हम फिजिकली अपने आप को फिट महसूस नहीं कर पाते हैं। ऐसा आपको महसूस अवश्य होगा यदि अष्टम के अंदर बैठा हुआ मंगल अशुभ है तो। दर्शकों, मंगल के संदर्भ में मैंने आपको एक ऐसी जानकारी दी है जिसके द्वारा आप अपना भय दूर कर सकते हैं कि अष्टम का मंगल है तो मेरे जीवन में क्या होगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मंगल के संदर्भ में आपको एक रोचक जानकारी मैंने अपने इस वीडियो के द्वारा देने की कोशिश की है, ताकि आप अपने जीवन के अंदर अपनी शारीरिक पीड़ाओं को काफी हद तक कम कर पाए और मंगल के समाधान करके आप अपने जीवन को बेहतर बना पाए। अब बात आती है कि मंगल का क्या समाधान हो सकता है,
तो केवल और केवल मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनकी आराधना आप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। मात्र इससे ही आपको राहत जरूर मिलेगी, लेकिन ये उपाय आपको आजीवन करना है। पर एक बात का ध्यान रखना है, अगर मंगल अशुभ है, अशुभ कब होगा मैंने आपको बताया, यदि आपका वृषभ लग्न है, मिथुन लग्न है, कन्या लग्न है और तुला लग्न है, तो मंगल आपका अष्टम में अशुभ होगा। और ऐसे में आप केवल और केवल मंगलवार के दिन ये उपाय करेंगे, भूल कर भी शनिवार के दिन ये उपाय नहीं करेंगे, अन्यथा आपको नेगेटिव रिजल्ट मिल सकता है। ऐसे में केवल मंगलवार के दिन ये छोटा सा उपाय आप करेंगे, हनुमान जी के मंदिर में जाके करेंगे, तो आपको मंगल के नकारात्मक परिणाम धीरे धीरे आपके जीवन से समाप्त हो जाएंगे और आपको आ रही शारीरिक पीड़ाएं फिर नहीं आएंगी। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।